किसान भाइयों सामने खड़े हुए बैठे हुए देख रहे होंगे कि ये सब जो सामने रखा हुआ है मैनपुरी पाउडर है, और ये देखिए एक टंकी रखी हुई है जो 16 लीटर की है। इसमें हम लोग दवा का एक मिक्सचर ये सब मिला के दवा सामने देख रहे हो, पेपर में रखी हुई अलग अलग, इसको कई 8 पार्टों में हम लोगों को डिवाइड किया है और उसको टंकियों में भरते हैं और उसी के साथ साथ। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हरी एग्री एनटेक। हरी एग्री एनटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे सामने मेरे स्प्रे करता हुआ आ रहा है आलू की फसल में। आलू की फसल में रोगों से कैसे बचाव करें, उसके लिए हम लोग ये स्प्रे करा रहे हैं। देख रहे होंगे इस समय के मौसम में बहुत आर्द्रता 80 से ऊपर है और टेम्परेचर भी लगभग 10 डिग्री के आसपास ही है, तो इस समय क्या बादल भी छाए रहते हैं, तो इस समय हमारे यहाँ फसल में बीमारी आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। इस बीमारी से बचाव करने के लिए झुलसा रोग जो आता है उसको, वह बहुत खतरनाक की बीमारी होती है। कभी कभी हमारी इससे पूरी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। ये पत्तियों से शुरू होकर आता है और पूरे धीरे धीरे करके पत्तियों में गोल छल्ले से बनते हैं और काले काले धब्बे के कारण फिर पत्तियां नीचे लटक जाती हैं और पूरी तरह से सूख जाती हैं। इनसे बचाव करने के लिए ही आज ये इस पर करवा रहे हैं। तो हम लोग इसमें मिलाए हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैनकोजेब और उसके साथ में मिलाए हैं इमिडाक्लोप्रिड 3 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से टंकी में मिलाया हुआ है और ये डोज हम लोग इस पर स्प्रे कर रहे हैं। तो जो मैनकोजेब है वो हमारी फंगस नाम जो फंगस से होने वाली बीमारियां हैं उनको कवर करता है। और जो इस समय देख रहे हैं हल्के हल्के से कोई कीट इस पर उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कीटों से बचाव करने के लिए हम साथ में इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का भी स्प्रे करवा रहे हैं। जो ये रस चूसक कीट होते हैं जो पत्तियों से इसका रस चूस लेते हैं और पौधा हमारा सूख जाता है, के हिसाब से टंकी में मिलाया हुआ है और ये डोज हम लोग इस पर स्प्रे कर रहे हैं। तो जो मैनकोजेब है वो हमारी फंगस नाम जो फंगस से होने वाली बीमारियाँ हैं उनको कवर करता है। और जो इस समय देख रहे हैं हल्के हल्के से कोई कीट इस पर उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कीटों से बचाव करने के लिए हम साथ में इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का भी स्प्रे करवा रहे हैं। जो ये रस चूसक कीट होते हैं जो पत्तियों से इसका रस चूस लेते हैं और पौधा हमारा सूख जाता है, माहू वगैरह थ्रिप्स वगैरह जो लग जाती हैं, इन्हें सबसे बचाव करने के लिए हम ये छिड़काव करवा रहे हैं। अगर आप आलू की फसल लगाए हुए हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि आप इस समय बढ़िया जब भी अच्छी खासी धूप निकली हो, जैसे देख रहे हैं आज ही धूप निकली है इसलिए हम लोग आज ही स्प्रे करवा रहे हैं। जब भी अच्छी खासी धूप निकली हो तो आप धूप कम से कम 2 से 3 घंटे तक फसल में धूप मिल जाए तो उस समय आप छिड़काव करवा दें, और छिड़काव करवाने के साथ साथ अपने फसल का ध्यान रखें, डेली खेतों में जाते रहें और थोड़ा सा घूम फिर के इधर उधर से चारों तरफ से देखते रहें। धन्यवाद।